हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ एक नेक्स्ट पार्ट लेकर टोयोटा A3 टूल विच इज़ ए 80 स्टेप प्रोएक्टिव प्रॉब्लम। हम इससे पहले कि टोयोटा A3 टूल के बारे में और आगे बात करें, सो ऑन माय यूट्यूब चैनल और बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं। So if you want to learn more, you can subscribe to my channel, which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. देखिए, अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, there is a very simple rule. First of all, you need to understand the problem. आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जानना होगा, then टेक काउंटर मेजर टू फिक्स दी प्रॉब्लम, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। एंड थर्ड पार्ट इज कीप दी प्रॉब्लम फ्रॉम कमिंग बैक, मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम है आपने इस तरीके से उसको फिक्स करना है कि उस प्रॉब्लम का दोबारा से रीअकरेंस ना हो, वो प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी लौट के ना आए। तो दीज आर दी बेसिक गाइडेंस प्रिंसिपल विच आर बींग यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट वन वीडियो थी टोयोटा A3 टूल के बारे में, उसमें हमने पार्ट वन वीडियो में बात किया था वेरियस जो स्टेप्स हैं फ्रॉम 1 to 8 स्टेप्स। सो वी डिस्कस ब्रीफली ईच एंड एवरी स्टेप, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप नंबर 1 विच इज क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। सो इस स्टेप के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वेरियस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अंडर दिस स्टेप, लाइक क्लैरिफाई द अल्टीमेट गोल ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, क्लैरिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ योर वर्क, क्लैरिफाई द करंट सिचुएशन ऑफ योर वर्क एंड विजुअलाइज द गैप बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द स्टैंडर्ड। मतलब ये है कि हम इस स्टेप पे बिल्कुल हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा टारगेट है, उस टारगेट उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में क्या आज की स्थिति है, क्या हमारा डाटा है आज का। सो अब जो हमारा गैप टारगेट कंडीशन और आज की कंडीशन के बीच का है, उसको हम मेजरेबल कंडीशन में आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्टिव, इफ यू वांट टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप, to define the extent of the problem and its effect in quantifiable terms. तो हमने क्या problem को define करना है, कितनी बड़ी problem है वो, और साथ में उसका जो effect आ रहा है वो quantity के term में क्या आ रहा है। Example के तौर पे suppose 2% rejection है और 5% rework है और 10% rework है, या हम लोग कितना DI achieve, कितना percent DI achieve कर पा रहे हैं, कोई particular defect है, टोटल कितना परसेंट है या कितना क्वांटिटी में। तो देखिए, जो हम लोग प्रॉब्लम को जब अच्छे से समझते हैं तो उससे हमें क्या एडवांटेज होता है, वी कैन फोकस फॉर कंटेनमेंट एंड रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं वो हम फोकस वे में, कौन सी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कंपनी के लिए, हमारे फंक्शन के लिए, सो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं व्हेन वी क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। देखिए, जब हम लोग प्रॉब्लम क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ए सिंपल थिंग। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो भी हमें सामने नजर आता होता है विदाउट गोइंग इन डीप डिटेल हम उसे ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं, बट हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैरिफाई द प्रॉब्लम इन दिस टोयोटा A3 टूल, तो हम लोग इन डेप्थ जाके माइक्रो लेवल पे जाके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस स्टेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वी वर्क इन डिटेल्स, वी गो अप टू ए इन डेप्थ टू नो दी एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा क्या है, व्हाट इज दी प्रॉब्लम, हु इज इफेक्टेड, वेयर इज दी प्रॉब्लम, व्हेन दिस प्रॉब्लम इज अकर्ड, हु इज गोइंग टू बी इफेक्टेड, हाउ मच, हाउ मैनी। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं या हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है
जो हमें सामने प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो उसका सिम्टम है, उसी को हम प्रॉब्लम मान लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम स्टेप नंबर वन की बात करें तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है और हमारा आज का सिचुएशन क्या है। तो जो भी हमारा गैप है इन दोनों कंडीशन के बीच में, दैट इज बीइंग एज प्रॉब्लम, कंसीडर एज द प्रॉब्लम। तो हमारा क्या है कि जो हम लोग एक स्टैंडर्ड है एज ऑन टुडे, करंट सिचुएशन क्या है हमारी, हम स्टैंडर्ड से जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट स्टैंडर्ड है उससे हम कितना पीछे हैं, दैट इज ए प्रॉब्लम। या हम लोग अपने स्टैंडर्ड को और फ्यूचर कंडीशन में ले जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड लेवल, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग एक अल्टीमेट गोल की बात करें कि हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो काम है उसका अल्टीमेट गोल क्या है। देखिए जैसे हम लोग डे टू डे, वी आर फ्रॉम मेनली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तो हमारी वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें जो भी हमें प्रोडक्शन प्लान दिया जा रहा है उसके हिसाब से हमने आइटम्स को प्रोड्यूस करना है। एंड दी व्हाट इज़ दी पर्पज़ ऑफ माई जॉब, जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है कि हमने जो कस्टमर की डिमांड्स हैं, जो कस्टमर ने हमें टारगेट दिए हैं उनको हमने अचीव करना है। बट दी अल्टीमेट गोल क्या है, टू प्रोवाइड दी कस्टमर विद हाईली फंक्शनल एंड हाई क्वालिटी कार्स एट रीजनेबल प्राइस इन ए टाइमली मैनर। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो कस्टमर होते हैं, जो भी हमारी OEMs कंपनी होती हैं, दे गिव अस टारगेट विद रेस्पेक्ट टू QCPD, क्वालिटी, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी एंड डिलीवरी। तो ये चार पैरामीटर के ऊपर हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। अनलेस अंटिल वी मीट ऑल दीज फोर पैरामीटर वी कैन नॉट से माई कस्टमर इज सेटिस्फाइड। सो बेसिकली सम ऑफ द क्वेश्चन जो हमें स्टेज के ऊपर एड्रेस करने होते हैं, सम असेसमेंट क्वेश्चन आर हियर लाइक, क्या हमारा एरिया हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो एवरीथिंग वी नीड टू गो इन डिटेल। क्या हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट क्या है, मेजरेबल होने चाहिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है इनसे, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को विच वी आर कंसिडरिंग एज ए प्रोजेक्ट और एज ए थीम, उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लाइज को क्या होगा फ़ायदा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू कंसीडर। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली जब तक हम उसको ठीक से समझ डिस्क्राइब ना कर पाए। डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दी गैप इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के टर्म में हमने गैप को मेजर करना है, व्हाट इज, क्या सिचुएशन है करंट सिचुएशन एंड व्हाट शुड बी, क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम को आप ठीक से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका कि आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत पुरानी मेडिकल इशू चल रहा होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, किस लिए कि जिससे कि वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझ पाए, तभी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो कोई भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, को डिसीजन लेने के लिए यू नीड ए गुड डाटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप में जाएं, आप शॉप फ्लोर विजिट करें, आप एक्चुअल में खुद अपनी आंखों से प्रॉब्लम को समझें, यू कैन टेक फोटोग्राफ, यू कैन डू वीडियोग्राफी, जो भी आपको डाटा मिले एज मच एज पॉसिबल, जितना बड़ा ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, जितना आपके पास साइंटिफिक डाटा होगा, उतना ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर होगा। तो यू कैन टेक इंस्पेक्शन रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट, परफॉर्मेंस पैरामीटर, टाइम टू फेलियर, हिस्टोरिकल रिजल्ट, 4M चेंज कंडीशन, सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट यू कैन कलेक्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, FME, एनीथिंग, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है।
एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जा रहे हैं दैट इज़ ए प्रॉब्लम। ऐसा ना हो कि आप कोई सुपरफिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रॉब्लम आप सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ ए रियल प्रॉब्लम फॉर दी कंपनी। देखिए हम लोग जब क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, सम ऑफ दी वेग प्रॉब्लम डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लाइक पार्ट इज़ बैड, पेंट लुक बैड, पार्ट डजंट फिट, मिसिंग वेल्ड, डजंट वर्क, बर ऑल अराउंड, पार्ट में आ रही है, फ्लैश आ रहा है, पार्ट ओके नहीं है, एक्यूरेसी ठीक नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स हैं दे आर वेरी वेक। एक्चुअली जो भी हमारा प्रॉब्लम है इट शुड बी परफेक्ट, उसका डिस्क्रिप्शन परफेक्ट होना चाहिए। सो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बारे में सम ऑफ द फेमस कोट्स, लाइक वन कोट फ्रॉम स्टीव जॉब, इफ यू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली यू ऑलमोस्ट हैव द सॉल्यूशन। देर इज अनदर कोट बाई अल्बर्ट आइंस्टीन, इफ आई एड एन आवर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सो आप इस चीज से जो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट प्रॉब्लम के समझने के बारे में इतना फोकस है, इतना टाइम एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तभी द फर्स्ट स्टेप जो रखा गया है दैट इज़ रिजर्व फॉर क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम परफेक्टली। देखिए मैं आपसे एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम ठीक से प्रॉब्लम नहीं समझेंगे उससे हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अक्सर जैसे घरों में होता है कि विंटर्स में वी स्विच ऑन दी हीटर, तो अभी हमारे सामने सीनरियो क्या है कि जब भी हीटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसकी MCB ट्रिप हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, हीटर आएगा कि हीटर ख़राब है, और सिम्टम क्या है, प्रॉब्लम का सिम्टम क्या नज़र आ रहा है कि MCB ट्रिप हो जा रही है। तो प्रॉब्लम इज विद द हीटर एंड सिम्टम इज MCB ट्रिप हो रही है। तो लेकिन अगर हम बात करें इस वेरी फर्स्ट स्टेप पे वी डोंट हैव एनफ इंफॉर्मेशन, उसके और बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं MCB ट्रिप होने के। मे बी जो आपका सॉकेट है आउटलेट सॉकेट उसके अंदर वो बर्न हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, हो सकता है कि जो आपकी मेन लाइन है उसमें ओवरलोड हो जिस वजह से MCB ट्रिप हो रही है, हो सकता है कि जो MCB है वही फॉल्टी है, खराब हो गई है वो, यू नीड टू रिप्लेस दैट MCB। ये भी हो सकता है कि कहीं पर कोई अर्थिंग की प्रॉब्लम है लाइन में, कोई शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, एंड सो ऑन। अब बहुत सारे रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजन। तो जब हम लोग बहुत सारे कारणों को, प्रोबेबल कॉजेज कैन बी मैनी, अगर हम लोग सोचें कि हमारा ये हीटर ख़राब है और आप इस हीटर को रिप्लेस कर दें, क्या अगर हम हीटर नया खरीद के ले आएँ उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि प्रॉब्लम वाज नॉट एक्चुअल विद दी हीटर। तो सेम चीज आप अपने वर्क एरिए के लिए सोच सकते हैं, सेम थिंग। आपके यहाँ देखिए फिर भी हीटर मे बी एक रीजनेबल अमाउंट में होगा, लेकिन आपके यहाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट में भी ह्यूज, सो इट कैन बेसिकली क्रिएट ए लॉन्ग प्रॉब्लम। अब देखिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक बड़ी कंपनी है जिसमें 3300 टेम्परेरी मैन पावर काम कर रही है। अल्टीमेट गोल इज व्हाट, गोल इज कि जितने 3300 टेम्परेरी मैन पावर है उनके अकाउंट के अंदर जो डेट डेजिनेटेड में भी उस दिन अकाउंट में पैसा सही अमाउंट में पहुंच जाना चाहिए। जितने मैंडेज, जितने मैन आवर्स के लिए उन्होंने प्रीवियस मंथ में काम किया है, 27th या कोई भी जो भी तारीख है उस पर पहुंच जाना चाहिए।
बट दी करंट सिचुएशन इज वॉट ओनली 2640 टेम्परेरी मैन पावर दे गेट दी सैलरी डिपॉजिट इन राइट अमाउंट. सो जो भी उनका सैलरी डिपॉजिट हुआ वो सिर्फ 80% लोगों का एरर फ्री सैलरी अकाउंट में जमा हुआ. तो बेसिकली अगर आप इसमें देखें क्या गैप है वो हमें क्लियर कट विजिबल है. वी हैव द डाटा टोटल कितने लोग हैं एक्चुअल में कितने लोगों को सैलरी टाइम पे मिल रहा है. सो लाइक दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वी नीड टू डिफाइन ए प्रॉब्लम इन ए वेरी क्लियर कट वे. सो सम ऑफ द टिप्स आर हेयर. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा. यू हैव टू क्लैरिफाई दी प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो गई है. ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जो आप प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हैं स्मार्ट टारगेट की तरह से दीजिए. स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल. कीप द वर्क फोकस्ड एंड अचीवेबल. तो हमें क्या करना है जब हम लोग प्रॉब्लम को प्रॉपरली अगर डिफाइन करेंगे तो हमारा फोकस क्या रहेगा. जो हमें टारगेट दिया गया है प्रॉब्लम में डिफाइन दिया गया है और कहां हम कितना पीछे हैं दैट कैन बी असेस्ड. सो माय डियर फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना ना भूलें. अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. आई रिपीट अगेन विच इज़ इन द नेम ऑफ आशीष अग्रवाल कॉरपोरेट ट्रेनर. तो आपको इस चैनल पे और भी रिलीवेंट वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. दैट इज़ ऑल फॉर टूडे.